हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू दिस रिकॉर्डेड एंड दिस थोड़े से ज्यादा इस पार्ट में करेंगे सेकेंड पार्ट के अंदर उसके ऑनवर्ड्स आगे चलेंगे तो ये स्टार्ट करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है ए यूनिफॉर्म Allowance for each day of absence from headquarters, which is intended to cover the ordinary daily charges incurred by the government servant, in connection is called daily allowance. Second question the maximum continuous period of leave of any kind that can be granted to a government servant unless the present in view of the exceptional circumstances of the case otherwise written both simple. Question tha, five years.

Uh, जो होता है वो हमेशा क्या होता है 5x होता है चाहे कितनी भी वैकेंसीज हो ओके और ग्रेटर देन 10 वैकेंसीज के लिए ये 10 eh, के लिए क्या होता है आपका 1.5x 3 ये फार्मूला होता है तो अब यहाँ पे वैकेंसीज कितनी है 5 तो 5 को यहाँ पुट करेंगे तो 5 2 10 4 14 और 5 into 5 25 तो ये आपका आंसर था सी question number 4 which of the following statement is are correct a government servant in level 2 who gets his first regular promotion in level 4 on the completion of 8 years of service and then continues in the level for the another 10 years without any promotion would be eligible for the second financial upgradation under modified assured progression in level 5 that is on completion of 8 plus 10 ये आपका जो एम एस पी के ऊपर जो ऑर्डर निकला था ना उसके अंदर एज इट इज इसके अंदर एग्जाम्पल दिए हुए हैं ओके इन इफ द गवर्नमेंट सर्वेंट हु गॉड इज सेकेंड फाइनेंशियल अपग्रेडेशन आफ्टर डज नॉट गेट एनी प्रमोशन देयर आफ्टर ही वुड बी गेटिंग फाइनेंशियल आफ्टर ये भी करेक्ट है थर्ड फॉर ग्रांट ऑफ फाइनेंशियल अपग्रेडेशन अंडर द दी स्कीम द प्रिस्क्राइब बेंच मार्क इज वेरी गुड

मैक्सिमम रेगुलर लीव है वो 15 डेज से ज्यादा तो नहीं है इसलिए इसका आंसर जो है वो आपका क्या है सी है क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ना मुझे कहीं कुछ मिला नहीं बट तो जो अवेलेबल आपकी ये लग रही हैं जो ऑप्शंस अवेलेबल रह रही हैं उसके हिसाब से इसका आंसर ए है बेसिकली ये पूछ रहा है एंगेजमेंट ऑफ पॉटर इनके बारे में पूछ रहा है एट गवर्नमेंट एक्सपेंसेस तो ये जो है कौन सा कवर्ड नहीं है जो मतलब चारों की जो लोकेलिटी है ना उसके हिसाब से बोल रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट ले इन यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख ये मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए ठीक है, ले का जो है आपका अवेलेबिलिटी है ट्रांसपोर्ट की लेकिन फिर भी अगर किसी को इसका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट मिले तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर क्वेश्चन नंबर सेवन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्सट ऑफ द ट्रेवलिंग अलाउंस

these rules are also applicable to the government servant who are deputed on the foreign service to the autonomous bodies substantially controlled by the central government. After this, देखिए ये नहीं है। अगर foreign service पे जाते हैं ना, तो foreign service के अंदर जो है, जो उस particular organisation के अंदर जो होते हैं, उन्हीं के अंदर गवर्न होते हैं। Basically, उसकी responsibility भी वहाँ उन्हीं की होती है। Divisional accountant

पेंशनर इज एम्प्लॉइड इन द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये करेक्ट है इंफॉर्मेशन ए सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशनर ड्राइंग इज पेंशन इन इंडिया इन रुपीज बट आउटसाइड इज़ एलिजिबल फॉर ये भी करेक्ट है इसलिए जो है इसका आंसर जो है टेंथ का जो आंसर है वो आपका ए है क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ रिगार्डिंग द पेंशनरी लेबलिटी ऑफ द द बर्मा बर्मा सिविलियन पेंशनर रिटायर्ड फ्रॉम बट सेटल्ड इन इंडिया एंड ऑन देयर डेथ टू दर्माशनर फैमिलीज द पेंशनरी पीबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट रिटायर्ड फ्रॉम बर्मा एंड सेटल्ड इन इंडिया इज दैट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ बर्मा ये जो एक्चुअली में सेटलमेंट हुआ था ना ये पाकिस्तान और बर्मा दोनों के लिए था तो जो पाकिस्तान थे आए हैं उनके लिए पाकिस्तान गवर्नमेंट की लायबिलिटीज है और जो बर्मा से हैं वो बर्मा बर्मन उसकी लायबिलिटी जो है उनकी है और ये एक्चुअल में एक ओएम निकला है आपका 2017 के अंदर उसको पढ़ लीजिएगा उसके अंदर सारा का सारा क्लियर है 11 सितंबर 2017 का जो है ओएम है इसका नंबर आई थिंक है 23 ऑब्लिक 3 ऑब्लिक 2008 ये पेंशनरी बेनिफिट का जो डिपार्टमेंट है हमारा उसके अंदर उनका है उसके अंदर सारी की सारी ये स्टेटमेंट है और ये एक्चुअली में चारों के चारों स्टेटमेंट करेक्ट हैं दैट द दिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टुवर्ड्स द ग्रांट ऑफ एडोक्ट एक्सक्रेशिया ये करेक्ट है द सैड एक्सक्रेशिया अलाउड शेल बी एडमिसिबल टू देम एट द रेट थर्टी फाइव हंड्रेड पर मंथ ये थर्टी फाइव हंड्रेड नहीं है ये नाइन थाउजेंड है तो ये वाली इंफॉर्मेशन जो है आपकी करेक्ट नहीं है थर्ड इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है ओके okay? और डियरस लिव ऑन द अमाउंट ऑफ अलाउंस देश आल्सो बी पेबल एज सेंशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्रॉम टाइम टू टाइम ये भी करेक्ट इंफॉर्मेशन है तो इसका मतलब थर्ड करेक्ट नहीं है बाकी सारी करेक्ट है इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या हो गया बी हो गया 2016 ऑनवर्ड्स के बाद 9000 हो गया थे. consider the following statement regarding the grant of HRA. A government servant. Uh, consider the following statement regarding the grant of uh, HRA. A government servant who on transfer has retained government accommodation at the old station on the payable market rent this at the new station for a period of eight months.

और एच आर एल बी एडमिसिबल टू अ फीमेल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज ऑन चाइल्ड केयर लीव बियॉन्ड बी डेज ये भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है उनको मिलता है बेसिकली मंथ्स के बाद सर्टिफिकेट वगैरह देना पड़ता है वो तो उसमें कई चीजों में देना पड़ता है तो इसलिए इसकी जो आंसर है वो आपका डी है ट्वेल्थ का थर्टींथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट इज नॉट इंक्लूडेड इन द चेकलिस्ट ऑफ द प्रोसेसिंग केस ऑफ स्टेपिंग अप ऑफ पे तो थर्टीन जो है इसके अंदर वेदर प्रमोशन इज ऑन द रेगुलर डॉक बेसिस बिल्कुल है चेक लिस्ट के अंदर द प्रपोजल फॉर स्टेपिंग अप ऑफ पे हैज़ द अप्रूवल ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ डायरेक्टर ये डायरेक्टर नहीं है जीएसए ठीक है उसने नोट करेक्ट ही पूछा था तो इसलिए इसका जो आंसर है वो आपका बी है इसके ऊपर जो है आपका जो ऑर्डर जो है जो ट्वेंटी टू को स्टेपिंग अप के ऊपर जो है एक डीओपीटी ने जो ओ निकाला है उसके आप चेक कर लीजिएगा पेज नंबर 17 के ऊपर है क्वेश्चन नंबर 14 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडॉप्शन ऑफ द सील कवर्ड प्रोसीजर डिपार्टमेंटल प्रमोशन कमिटीज शेल प्लेस इट्स रिकमेंडेशन इन ए सील्ड कवर इन रिस्पेक्ट ऑफ द गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट होम प्रोसिक्यूशन फॉर ए क्रिमिनल चार्जेस पेंडिंग बिल्कुल ठीक है 14th है ना ये

जो आंसर है वो आपका ए हो गया ए हो गया चलिए आगे बढ़ते हैं

और अगर किसी रीजन की वजह से कोई अपार अवेलेबल नहीं है तो हम क्या जो, जो, 13, 14. 13, 14 तो जो पांच साल से पहले वाली जो है अवेलेबल है उसको हम कंसिडर करते हैं तो इसका आंसर सी है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट नो

डर हैव बिन एक्सेप्टेड ये बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन है तो आपका सेवनटींथ का जो आंसर है वो क्या हो गया थर्ड और फोर्थ करेक्ट बी इसका आंसर हो गया इन द केस ऑफ रिसिप्ट ऑफ रुपीज रिसिप्ट ऑफ अ हंड्रेड पेज रिपोर्ट एज एनक्लोजर टू अ डेमी ऑफिशियल लेटर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू द फाइलिंग ऑफ पेपर इज नॉट करेक्ट

तो उसको हम सेपरेट उसमें करते हैं उसने यही पूछा था कि आ, कौ, आ, कौन सा इनकरेक्ट है तो इसलिए इसका आंसर जो है क्या हो गया डी हो गया डी इसका आंसर है उसने नॉट करेक्ट पूछा हुआ है ऊपर ध्यान रखिएगा वन ऑफ द फॉलोइंग रिकॉर्ड शेड्यूल इज एप्लीकेबल इन केस ऑफ द रिकॉर्ड पर्टेनिंग टू सब्सटेंटिव आइटम ऑफ द वर्क ऑफ डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग द आइटम ऑफ द वर्क हैंडल सबोर्डिनेट ऑफिस देखिए चार टाइप के आपके रिटेंशन शेड्यूल्स होते हैं ठीक है एक आपका डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक रिवान्स ने इशू किया हुआ है दूसरा जो है वो आपका एमओपी का अपेंडिक्स है तीसरा आपका जीएफआर का है जो फाइनेंशियल जो आपकी चीजें होती हैं उसके लिए होता है फोर्थ जो है अगर आपके सब्सटेंटिव फंक्शन है तो उसके लिए डिपार्टमेंट खुद इशू करता है उसको क्या करवाना पड़ता है नेशनल आर्काइव ऑफ इंडिया से वेट करवाना पड़ता है तो उसके हिसाब से इसका जो आंसर है वो क्या है डी है मैं सारे नहीं पढ़ रहा हूँ अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा

एक्सेप्ट जो है आपका सी वाली टेकिंग ये वाली उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो इसलिए मैं आंसर मार्क कर रहा हूं थ्री पॉइंट वन पेज थर्टी पे एमओपी का पेज नंबर थर्टी पे देख लेना उसके अंदर दिख जाएंगे आपको कंसिडर द फॉलोइंग इन कंटेक्सट ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ पेपर इन द फाइल नंबर ट्वेंटी टू इसका जो आंसर है वो आपका बी है वन पहले ये करते हैं फिर ये करते हैं फिर ये करते हैं फिर ये करते हैं अपेंडिक्स नोट स्टैंडिंग गार्ड फाइल अदर रिकॉर्डेड फाइल ठीक है इसलिए इसका आंसर जो है आपका क्या है बी है कहाँ लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है बॉक्स नंबर सिक्स के अंदर बॉक्स सिक्स पॉइंट वन के अंदर पेज फिफ्टी एट

ये भी करेक्ट है एंड ही इज द चीफ अकाउंटिंग अथॉरिटी ये भी आपका करेक्ट है तो so इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या है आपका बी है विच वन ऑफ द फॉलोइंग

करेक्ट ये भी करेक्ट इन्फॉर्मेशन है उसने क्या पूछा हमारे से उसने हमसे पूछा है करेक्ट करेक्ट तो correct के हिसाब से वन टू एंड टू एंड फोर डी आंसर है ठीक है ऊपर एक बार चेक कर लो उसमें करेक्ट ही पूछा था ना ट्वेंटी फाइव विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ऑफिस मेरेडम आर करेक्ट कम्युनिकेशन डिसीजन अदर डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग बिटवीन द मिनिस्ट्री एंड डिपार्टमेंट यूज ऑफ कंसल्टिंग कंसल्टेशन के लिए नहीं होती है ठीक है ओम इज रिटर्न द फर्स्ट पर्सन थर्ड पर्सन में होता है ओम इज ऑल्सो यूज इन सीकिंग दिस ये भी आपकी करेक्ट है इसलिए इसका जो आंसर है

सेक्रेटरीज ठीक है तो ये आपका तीन इनकरेक्ट है फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ आंसर इज डी नेक्स्ट वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिव्यू ऑफ द रिपोर्ट रिटर्न इज टू बी करेक्ट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिव्यू दिस इज एलिमिनेट अननेसेसरी रिपोर्ट बिल्कुल करेक्ट है रिव्यू शेल बी कंडक्टेड एट द लेवल ऑफ डायरेक्टर

27th का जो आंसर है वो क्या है पैरा फोर्टीन पॉइंट सिक्स है एम ओ पी का ठीक है उसको पढ़ लीजिएगा और इसके हिसाब से चारों ही आपके नहीं लेने हैं ये नॉट रिक्वायर्ड

हेडक्वार्टर नेवी एंड एयर हेडक्वार्टर ओनली गलत इंफॉर्मेशन है चौथा भी होता है एच क्यू आई डी एस बोलते हैं उसको. है. Uh, फिर आपका दे वुड भी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एग्जीक्यूटिव डायरेक्शन रिक्वायर्ड फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी करेक्ट है दे शैल एक्साइज डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फाइनेंशियल पावर ये भी करेक्ट है तो इसके हिसाब से हमारा आंसर क्या बन गया सी बन गया ओके okay? थर्टी हो गई थर्टी वन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेशनल पेंशन सिस्टम बेसिकली ये क्वेश्चन है ना इस क्वेश्चन के अंदर आ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही थी यही क्वेश्चन था हाँ वाइल

उड टू चूज एनी वन ऑफ द पेंशन फंड इंक्लूडिंग द प्राइवेट सेक्टर बैंक ये आपका करेक्ट uh, इंफॉर्मेशन है तो इसके हिसाब से आपका बी आंसर करेक्ट है उसने क्या करेक्ट ही पूछा था ना करेक्ट ये गड़बड़ हो जाती है

ये इंफॉर्मेशन जो है आपकी इनकरेक्ट है तो इसके हिसाब से देखिए अगर मैं इसको इनकरेक्ट मान लेता हूं ना तो आपका कोई भी जो आंसर है ना वो बन नहीं रहा चलो तो देखते हैं आगे क्योंकि तू, तू सिर्फ इसमें आया हुआ है अब देखिए वन तो मैंने बता दिया कि करेक्ट है टू इनकरेक्ट है तो वो बन रहा है हालांकि इसने ये माना हुआ तो ये ऐसा क्वेश्चन है जिसके ऊपर कंटेक्स किया जा सकता है यूपीएससी के साथ क्योंकि तो मैं आपको बताता हूं इसका बेसिक फंडा बताता हूं क्या है कि अगर आप एक्स्ट्रा ऑनली लीव के ऊपर हैं वो दो पार्ट हो सकता है या तो विद मेडिकल होगा या विदाउट मेडिकल होगा अगर विदाउट मेडिकल है ना आप पे करोगे ना गवर्नमेंट पे करेगी लेकिन अगर आप विद मेडिकल हो ना तो आप पे नहीं करोगे लेकिन गवर्नमेंट पे करती है रूल सेवन जो है आपका उसको पढ़ लीजिएगा उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है दो तीन आपके और चीजें हैं जहाँ पे गवर्नमेंट पे करती है आप पे नहीं करते हो दिस इज वन ऑफ गड़बड़ लग रही है पीरियड ऑफ फॉरन सर्विस नहीं ये गलत इंफॉर्मेशन है उसको करना पड़ता है और उसके अंदर क्या होता है आपका जो उसका लास्ट पे ड्रॉन होती है अपने डिपार्टमेंट में उसके हिसाब से उसको करना पड़ता है इन हाफ पे लीव सब्सक्राइबर ऑफ द एम्प्लॉय एंड गुड रिस्ट्रिक्ट लिव सैलरी हाँ ये बिल्कुल ठीक इंफॉर्मेशन है हमें नोट कट बताना था तो अगर हमने सेकेंड को बोल दिया कि यह करेक्ट है तो उसके हिसाब से थर्ड है तो उसके हिसाब से आंसर डी है मेरे हिसाब से आपका जो ये स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट रॉन्ग है यहाँ पे टू एंड थ्री होना चाहिए था इसके ऊपर आप देख सकते हैं रूल के अंदर लिखा हुआ है, बाकी तो वही बात है जो यूपीएससी बोलेगा वही करेक्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग काउंटिंग ऑफ प्रीवियस सर्विस फॉर बेनिफिट ऑफ़ द्रचुटी इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज कवर्ड अंडर द नेशनल पेंशन सिस्टम तो इसके लिए जो है आपका क्या है इन इफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट

उनके बीच में ये एक अंडरस्टैंडिंग है कि अगर हमारे एम्प्लॉय आपके पास जाएंगे या आपके एम्प्लॉय हमारे पास आएंगे तो ग्रेचुटी हम उसका पार्ट जो है वो शेयर नहीं करेंगे आपके पास गया आप पे करना हमारे पास आया तो हम पे करेंगे आपसे नहीं मांगेंगे ठीक है बट अगर ऑटोनोमस बॉडी है या आपकी पीएसयू है चाहे वो सेंटर की हो या स्टेट की हो अगर वहां से कोई एम्प्लॉय हमारे पास आता है तो जितने साल की सर्विस वहां पे करके आया है अगर वो सर्विस उसको यहाँ पे काउंट करवानी है तो उसकी ऑर्गेनाइजेशन को पेंशन और कंट्रीब्यूशन देना पड़ता है ये फंडा इसका। ओके, तो इफ़ अ स्टेट गवर्नमेंट कवर्ड अंडर द द एनपीएस विद प्रोविजन ऑफ़ दिस 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 सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नमेंट, स्टेट हाँ, दोनों को करना पड़ेगा नहीं दोनों को नहीं करना पड़ेगा रिस्पेक्टिव उसको करना पड़ेगा ये सेकंड स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है सेकंड स्टेटमेंट जो है रॉन्ग है इफ द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट हमने फर्स्ट क्या बोला था फर्स्ट नो शेयरिंग ऑफ था फर्स्ट वाला करेक्ट था सेकंड वाला जो है वो आपका इनकरेक्ट है

बताना था करेक्ट तो हमने कौन कौन से करेक्ट देखे फर्स्ट और थर्ड तो इसलिए ना अब देखिए आगे भी देखिए पूरी पूरी जो है, पूरे, -पूरे पेज पे दो ही क्वेश्चन आ रहे हैं स्टेटमेंट रिगार्डिंग विड्रॉल फ्रॉम द नेशनल पेंशन सिस्टम क्या क्या पूछा हुआ है उसने आ, एंड एन पी एस और क्या बताना क्या है पहले देख लो उसके हिसाब से करते हैं करेक्ट बताना एंड एन पी एस सब्सक्राइबर इज परमिटेडिंग ट्वेंटी फाइव मेड बाई हिम और हर एट स्टैंडिंग टू हिज हर क्रेडिट इन इंडिविजुअल अकाउंट एज ऑन द डेट एप्लीकेबल बिल्कुल वही बात है देखिये चार पोर्शन होते हैं गवर्नमेंट सर्वेंट का गवर्नमेंट का और उसके ऊपर रिटर्न

थ्री टाइम्स है ठीक है इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या हो गया वन एंड थ्री थर्टी फाइव कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्सट ऑफ द विद ऑफ पेंशन ग्रेचुटी टू द गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर द सी पेंशन रूल 2021। प्रोविजनल पेंशन शेल बी ऑथराइज्ड टू अ रिटायर गवर्नमेंट सर्वेंट अगेंस्ट हु डिपार्टमेंट प्रोसीडिंग्स आर कंटेम्परेटेड बट हैव नॉट एक्चुअली बी इंस्टीट्यूटेड ठीक है पेंशन रूल के बारे में बात आ गई क्या अच्छा पेंशन रूल के बारे में बात आ गई ओके okay. क्या बताना है जी करेक्ट ओके तो प्रोविजनल पेंशन शैल बी देखिए और के केस के अंदर जो है ना प्रोविजनल पेंशन नहीं होती है व्हेरेवर ऑन कंक्लूजन ऑफ द डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग अगेंस्ट ए गवर्नमेंट सर्वेंट द अमाउंट ऑफ पेंशन फाइनली सैंक्शन इज लेस देन द प्रोविजनल पेंशन

थ्री एंड फोर। चलिए, तो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स की। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ़ सीसीएस पेंशन रूल्स 2021, टाइम पास्ड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन पेंडिंग इन्क्वायरी इनटू कंडक्ट शेल बी काउंटेड एज क्वालिफाइंग सर्विस वेयर नो

गवर्नमेंट एम्प्लॉज शेल फॉरफिट इज पास सर्विस ऑन रेजिग्नेशन फ्रॉम ए पोस्टर अपॉइंटमेंट फॉर द अंडर द गवर्नमेंट वे सर्विस क्वालिफाइज दिस नहीं करेगा इसलिए इसका आंसर है मेरे हिसाब से टू एंड थ्री हो सकता है आप में से कुछ लोग कंटेस्ट करेंगे लेकिन मेरे हिसाब से करेक्ट नहीं है क्योंकि वहां पे माइनर पेनल्टी के, के केस में भी जो है सर्विस क्वालिफाई होती है बेसिकली मेरे हिसाब से नंबर वन जो है ना इनकम्प्लीट स्टेटमेंट है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रांट ऑफ कंपेशनेट अलाउंस इन टर्म्स ऑफ द सीसीएस पेंशन रूल 20 uh, 21 तो so, 37 इसके अंदर कंपेशनेट अलाउंस शुड नॉट बी एक्सीडेड टू थर्ड ऑफ द पेंशन और ग्रेचुटी एडमिशन इन द इंडिविजुअल इफ यू हैड बिन रिटायर्ड ऑन द सुपरनेशन ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है

एज इट इज इन द नेचर ऑफ द रे नहीं गलत इंफॉर्मेशन है कम्यूट किया जा सकता है ठीक है अब देखिए अब इसके अंदर ना कभी कभी मैं सिर्फ एक चीज दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ आप देखिए पे आपका थ्री पे आ रहा है थ्री आ रहा है यहाँ पे जिसके अंदर पहली जो है स्टेटमेंट करेक्ट मैंने बता दी तो इसका मतलब ये आंसर तो हो नहीं सकता ठीक है और थर्ड वाली करेक्ट बता दी तो या तो आंसर डी है और या क्या है आंसर सी है ओके अब सेकंड वाली मैंने करेक्ट बता दी तो ये भी नहीं आंसर इसका मतलब इसका जो आंसर है वो क्या है थ्री ओनली ठीक है है सी आंसर इसका। मैं टाइम बचाने के लिए कर रहा पार्ट ऑफ हिस्स पेंशन अ टोटल पेंशन ऑफ एटीन इसका मतलब अभी उसकी है, क्या है? 84. अब जैसे ही एट्टी प्लस होता है उसको पेंशन क्या मिलती है जो उसकी पेंशन है प्लस ट्वेंटी परसेंट ठीक है और अब एट्टी फाइव पे क्या होगी जो पेंशन है प्लस थर्टी परसेंट ऑफ पेंशन अभी वन ट्वेंटी परसेंट दे रहा है और हमें बताना है कि वन थर्टी परसेंट कितनी होगी इसलिए आंसर क्या होगा एटीन थाउजेंड उसको मल्टीप्लाई कर दो वन थर्टी से और डिवाइड कर दो वन ट्वेंटी से सॉल्व कर लेना इसका आंसर आएगा थाउजेंड फाइव हंड्रेड इसलिए जो इसका आंसर है वो क्या है आपका सी है थर्टी नाइन कंसिडर रिगार्डिंग द पेमेंट ऑफ द डेथ कम रिटायरमेंट ग्रेचुटी इन टर्म्स ऑफ द दीसी पेंशन रूल ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो नॉमिनेशन मेड बाय एन अनुप्लॉइड गवर्नमेंट सर्वेंट इन फेवर ऑफ एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली शैल बिकम इनवैलिड हर मैरिज गलत इंफॉर्मेशन है ठीक है ये गलत है गवर्नमेंट सर्वेंट है गवर्नमेंट सर्वेंट टू नॉमिनेट एनी पर्सन और ए बॉडी और इंडिविजुअल वेदर इंक्लूटेड और नॉट एज अल्टरनेट नॉमिनेशन ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है if the person eligible to receive gratuity in the event of death of a government servant death of a government servant by murder while in service is charged with the abetment of the murder his claim to the receive his uh, share of the gratuity shall remain suspended till the conclusion of the criminal proceeding instituted by him Ye correct information hai. share of the nominee who dies before receive the amount of the gratuity गवर्नमेंट नहीं ये गलत है ठीक है तो कौन सा गलत हो गया फर्स्ट एंड फोर्थ गलत हो गया कौन सा क्वेश्चन नंबर है थर्टी नाइन थर्टी नाइन का आंसर क्या हो गया डी फोर्टी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिलिटी ऑफ द फैमिली पेंशन दोबारा शुरू करते हैं इसको कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एडिसबिलिटी ऑफ फैमिली पेंशन टू द डिजेबल्ड चिल्ड्रन ऑफ द डिजीज गवर्नमेंट सर्वेंट और बताना है हमको करेक्ट फैमिली पेंशन इज एडमिसिबल फॉर लाइफ टू अ सन और डॉटर हु इज सफरिंग फ्रॉम द मेंटल और फिजिकल डिजेबिलिटी सो एज टू रेंडर हिम और हर अनेबल टू अर्न लिविंग इवन आफ्टर अटेनिंग ऑफ द एज ऑफ ट्वेंटी फाइव ये करेक्ट इन्फॉर्मेशन है

Question number 42. Consider the following statement regarding the permission for the commercial employment under this. If the pensioner uh, who immediately before there is a member of the central uh, service uh, group A wishes to accept any commercial employment before this, 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 he shall attain previous sanction of the government. Correct? गवर्नमेंट सर्वेंट शेल नॉट नेगोशिएट कमर्शियल एम्प्लॉयमेंट बिल्कुल करेक्ट है ये भी ठीक है गवर्नमेंट हैज बीन प्रीवली टू एनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन फॉर द लास्ट फाइव लास्ट फाइव लिखा हुआ है जो रूल है उसके अंदर लास्ट थ्री ईयर्स लिखा हुआ है इसलिए रॉन्ग ये इन्फॉर्मेशन और फॉर द एम्प्लॉयमेंट विद ए यूनिवर्सिटी इमीडिएटली आफ्टर रिटायरमेंट नो परमिशन इज रिक्वायर्ड ए भी करेक्ट इंफॉर्मेशन है आपका थर्ड रॉन्ग थी तो थर्ड आपका तीन तीन जगह आया हुआ है इसलिए इसका आंसर जो है आपका क्या हो गया बी हो गया 43 अपॉइंटिंग अथॉरिटी में परमिट अ पर्सन टू विथड्रॉ इज रेजिग्नेशन विद इन 90 डेज होता है सी आंसर है ठीक है 44 consider the following statement regarding the emolument in terms of the ccs pension rule 2021 so 44 ka jo answer hai acha pehle padh to le pehle answer ke baad mein batayenge emolument for the purpose of the fixation of pension shall mean basic pay which a government servant was drawing immediately before his retirement but excluding this nahi np hota hai jo medical practitioners hote hain unko np jo milta hai wo hota hai stagnation increment शेल नॉट बी ट्रीटेड एज अमोल्यूमेंट ये भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है गवर्नमेंट सर्वेंट वेपुटेशन टू स्टेट गवर्नमेंट शेल नॉट बी ट्रीटेडमेंट बट दिच है तो इसके हिसाब से आपका जो आंसर है वो क्या हो गया बी आंसर हो गया चलिए अब आ गया आपका क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज कंप्लीटेड ट्वेंटी ईयर्स ऑफ क्वालिफाइंग सर्विस विल बी इन रिटायरिंग पेंशन If he takes the voluntary retirement from the service by giving a uh, notice three months in writing this, ठीक okay. है? So before accepting एक तो हरे क्वेश्चन के अंदर इतनी-इतनी स्टेटमेंट पढ़नी पड़ पर रही है ना? Forty-five क्या है? Before accepting the notice of the voluntary retirement, appointing forty. शेल सेटिसफाइड सेल दैट द गवर्नमेंट सर्वेंट हैज कम्पलीटेड द कॉलिंग सर्विस ऑफ 20 ईयर्स ये करेक्ट है अ गवर्नमेंट सर्वेंट हु ऑप्स फॉर वॉलंटियर रिटायरमेंट आफ्टर रेंटरिंग ए सर्विस 19 ईयर 9 मंथ विल बी डीम टू बी हैव बीन कम्पलीटेड नहीं है रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है इफ ए गवर्नमेंट सर्वेंट गिव नोटिस वॉलंटियर रिटायरमेंट वैन ही इज ऑन लीव नॉट ड्यू द रिटायरमेंट शेल बी टेकन इफेक्ट फ्रॉम द डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ द लीव नॉट ड्यू ये बेसिकली पेंशन के अंदर लिखा हुआ नहीं है लीव रूल के अंदर लिखा हुआ है इन केस

तो दैट्स वाई ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या है आपका सी ये था आपका क्वेश्चन नंबर फोर्टी फाइव क्वेश्चन नंबर फोर्टी सिक्स द की एरियाज ऑफ द डिजिटाइजेशन स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क इंक्लूड तो फोर्टी सिक्स ये आपका जो है चैप्टर फिफ्टीन है एमओपी का उसमें पढ़ लीजिएगा ये सारे के सारे हैं पांचों के पांचों इसलिए इसका आंसर जो है वो क्या है बी मैं पढ़ नहीं रहा हूँ यार टाइम बचा रहा हूँ इतना लेंदी है ना ये पेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स आर नॉट कवर्ड अंडर द फेज वन ऑफ द डिजिटाइजेशन नॉट कवर्ड लिखा है नॉट कवर्ड तो ये जो है आपका सेम आपका उसके अंदर है और इसके अंदर ये आपका फोर्थ जो है वो आपका फेज टू में कवर्ड है इसलिए इसका जो आंसर है वो क्या है आपका नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इन कॉन्स विद द मेन गाइडलाइंस ऑफ द ग्रीवन रिवर्सल मैकेजम तो इसके अंदर क्या है अग्रीवेंस शुड बी डिस्पोज ऑफ विद इन ए पीरियड ऑफ थ्री मंथ नहीं फोर्टी फाइव डेज गलत है वेल रीजन स्पीकिंग ऑर्डर शुड बी given while closing the grievance बिल्कुल ठीक बात है देना चाहिए एवरी फ्राइडे अब देखिए ये भी आपका एक गड़बड़ कहानी है ठीक है रूल में लिखा हुआ है एवरी वेडनेसडे तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन है जिसके ऊपर आप चैलेंज कर सकते हो लेकिन कुछ लोग बोल रहे हैं कि नहीं सर ये करेक्ट है इंफॉर्मेशन अगर मैं इसको इनकरेक्ट कर देता हूँ एक मिनट के लिए मानते हैं इसको इनकरेक्ट कर देते हैं ठीक है सेकंड तो आपका करेक्ट है ही ठीक है उसने क्या पूछा था आपसे नॉट करेक्ट नॉट इन कॉन्सनेंस ओके ओके ये भी करेक्ट है सॉरी uh, 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 uh. इनकरेक्ट तो पूछा है यार इनकरेक्ट तो पूछा है तो फ्राइडे भी आपका तो ये रॉन्ग है फ्राइडे की बजाय वेंसडे आई और ये भी रॉन्ग है तो उसने रॉन्ग ही पूछा है हमारे से तो फर्स्ट एंड थर्ड रॉन्ग है ओके ओके ठीक है ठीक है सॉरी सॉरी मैं कोई गलत उसमें उसमें लंबे लंबे स्टेटमेंट भूल जाता हूँ कभी

केसेस केसेस और क्लासेस ऑफ़ ये भी के अंदर है, these rules, uh, ये भी है? ठीक मतलब उसने रॉन्ग ही पूछा ना हमारे से? स्पेसिफाई द डिपार्टमेंट प्राइमरी अदर डिपार्टमेंट तो ये, ये भी रॉन्ग है ठीक है तो वन थ्री एंड फोर ये सारे के सारे रॉन्ग है उसने आपसे यही पूछा था नॉट करेक्ट फोर्टी नाइन इसलिए इसका आंसर ए हो गया फिफ्टी of the following statement regarding the review and reading record are correct a category c file will be reviewed on the expiry of the specific retention period and reading not reading out unless there are sufficient ground for further retention a correct information hai. category a files will be reviewed on the attention of 30 years 25 years okay you're wrong hai.

मंथ कौन सा होता है और फिर टेंथ मंथ तो ये वन एंड फोर इसका आंसर क्या हो गया फिफ्टी का बी हो गया फिफ्टी वन एन ऑफिसर वर्किंग इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई हैज दिस इज दिस देखिए ये जो है ना इसके ऊपर एक ऑर्डर निकला हुआ है थर्टीन अगस्त 2020 को ओके okay. और इसका पैरा फोर स्पेसिफिकली डीओपीटी ने निकाला हुआ है पैरा फोर उसको पढ़ लीजिएगा उसके हिसाब से उसमें ये लिखा हुआ है आरबीआई और एनी अदर नेशनलाइज बैंक तो इसलिए डी इसका वो है आंसर मैं पढ़ नहीं रहा था वहाँ पे क्योंकि एज इज लिखा हुआ है 52 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द नेक्स्ट बिलो रूल नेक्स्ट बिलो रूल इज अ रूल ऑफ इंडिपेंडेंट एप्लीकेशन बताना क्या है भाई करेक्ट

द गवर्नमेंट वर्किंग कंसिडर आउटसाइड रेगुलर लाइनिंग विद्वायरमेंट ऑफ द वन जूनियर सब्जेक्ट ये भी है। ये आपका एक पे के ऊपर ऑर्डर निकलाया टू ट्वेंटी ट्वेंटी टू में एक उन्होंने रिफ्लेक्शन पेपर टाइप में निकाला था तो उसके अंदर से आपका ये क्वेश्चन है और कौन कौन से करेक्ट कर दिया हमने भाई 52.

थ्री बताना क्या है करेक्ट तो इसके अंदर आपका ये correct है. उनको मिलता है ये करेक्ट है है मिलता गवर्नमेंट सर्वेंट गेटिंग टू प्रमोशन इन क्विक सक्सेशन इज एन टू बेनिफिट ऑफ रिफिक्सेशन ऑफ द पे फ्रॉम द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट फॉर ईच ग्रेड पोस्ट अंडर द सेविंग क्लोज दिस रॉन्ग इंफॉर्मेशन है ये कहने का मतलब क्या है मान लो किसी की

जिसके अंदर उन्हें करेक्ट किया हुआ है थिंक उसको जो पे वाला जो है रूल वो है आपका एफ आर ट्वेंटी टू उसके ही एक ऑर्डर है उसके अंदर लिखा हुआ है। एम्प्लॉयड ऑफिसर सेकेंड वाला जो है आपका रॉन्ग हो गया ठीक है एम्प्लॉयड ऑफिसर डिस्चार्ज अंडर रूल फाइव Rules are entitled to benefit of the pay fixation under the various provision of uh, FR22. So aapka correct. Hai. Okay. Benefit of the fixation of the pay from the date of next increment is not available. So promotion to a new post not involving assumption of duties. रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ग्रेटर इंपॉर्टेंस नहीं मिलता है अगर आप नई पोस्ट वो करते हो ना तब नहीं मिलता Fresh, आप करते हो, तब नहीं मिलता अदरवाइज अगर 22, है, है 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 के अंदर ही लिखा हुआ है कि आपको वहां पे ऑप्शन मिलता तो ये basically जो, है ना, आपका 54 जो है, वो आपका एफ आर ट्वेंटी थ्री है तो इसमें क्या पूछा हुआ है जी इन्होंने करेक्ट पूछा हुआ है 54 के अंदर. तो इसके अंदर पहला द होल्डर ऑफ द पोस्ट और द which uh, is changed, has the option to retain his pay until he vacates the post. basically, ho vacate the post and uska next increment, whichever is earlier. the option to retain his or pay shall be available only in case of down revision. revision. ji upward may equivalent or tabi, option available. the government servant under suspension shall not be allowed uh, to exercise द ऑप्शन अंडर ये भी रॉन्ग इंफॉर्मेशन है ठीक है पे फिक्सेशन अंडर एफ आर ट्वेंटी थ्री शेल नॉट बी अवेलेबल वेयर रिवीजन ऑफ पे इज कॉन्करेंट कॉन्ट स्पेसिफिक चेंज इन द ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अटैच टू द पोस्ट तो कौन सा क्वेश्चन था ये फिफ्टी फोर तो फिफ्टी फोर का आंसर जो है क्या हो गया सी फोर्थ करेक्ट है

ए गवर्नमेंट सर्वेंट कैन रिटेन द प्रीमियम अवॉय टू एस ए इन द पब्लिक कॉम्पिटिशन विदाउट स्पेशल परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड विदाउट स्पेशल प्रोविजन इसके अंदर देखना पड़ेगा क्या है A government servant can retain the premium awarded for an essay in public competition without special permission a government servant appointed in his official capacity as director of the board of director of a private company in which central government funds are not invested, can receive and retain travelling allowance from such bodies under their rules and regulations.

फिफ्टी सेवन इसका आंसर जो है आपका बी है मैंने पहले ही मार्क कर रखा है इंडियन एम्बेसीडामेंटल रूल आर वन वन टेन है उसको पढ़ लीजिएगा उसमें दे रखा है 58, इसके अंदर देखिए क्या बोल रहा है कि अगर आप किसी फॉरेन सर्विस पे जाते हो तो कितना देना पड़ता है कंट्रीब्यूशन अब बेसिक बात देखिए जब आपको यहाँ देना पड़ता है टेन परसेंट आप देते हो गवर्नमेंट देती है प्लस कितना हो गया ऑफ कोर्स जो आपको क्या नाम है बी के अंदर स्टेटमेंट रिगार्डिंग द प्रोबेशन इज करेक्ट टर्म प्रोबेशनर कवर्स गवर्नमेंट सर्वेंट होल्ड सब्सटेंशियली ये रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है

जी एफ आर का रूल फिफ्टी नाइन पढ़ लीजिएगा मिनिस्ट्री फाइनेंस के पास जाना पड़ेगा सिक्सटी टू कंट्रोलिंग ऑफिसर की क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इनकरिंग ऑफ एक्सपेंडिचर एंड कलेक्शन ऑफ रिवेन्यू बी आंसर है इसका सिक्सटी थ्री द रिजेक्शन ऑफ बिड ज जस्टिफाइड इन विच ऑफ दिचुएशन अगर इफेक्टिव कॉम्पिटिशन लैक कर रहा हो करेक्ट है ये भी करेक्ट है ये भी करेक्ट है यहाँ पे लिखा हो ओनली वन वहां पर रूल में लिखा हुआ none. इस से इसका जो आंसर है वो क्या हो गया डी तो बेसिकली आपके सिक्सटी थ्री क्वेश्चन तक हो गए हैं अब जो सेकेंड पार्ट है उसके अंदर जो है आपका क्वेश्चन करेंगे 63 onwards. इसके अंदर देख लीजिएगा मेरे हिसाब से मैंने सारे के सारे रूल्स वगैरह देख लिए थे एक्सेप्ट टू थ्री क्वेश्चन जहाँ पे रूल कहीं एकदम एज इट इज मिला नहीं तो उसके हिसाब से चेक कर लीजिए कहाँ पे कुछ अगर कुछ कुछ चेंज करना हो आंसर तो बता दीजिएगा पार्ट टू में उसको करेक्ट कर दूंगा मेरे हिसाब से जो मुझे मिले हैं वो करेक्ट हैं तो ये था आपका आज का वीडियो थैंक यू थैंक यू वेरी मच